एवरीवन और सभी का चैनल पे स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है। अमेजिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि हम लोग आज ZW जो है उसका सी स्टार एक स्मार्ट टेलीस्कोप है उसका पूरा टेस्टिंग करने वाले हैं, और उससे हम लोग बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट शूट करने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हमने चूज किया है मून, लेकिन उसके पहले ये जो टेलीस्कोप है वो हमारे मित्र हैं ओमकार जी इनका, और साथ हेलो में है अंकिता हेलो हमारी टीममेट है। तो हम लोग आज पूरा टेस्टिंग करने वाले हैं, और हम लोग आए हैं भंडारदरा में। पूरा माउंटेन देख रहे हो और पूरा स्काई जो है पूरा क्लियर है। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आज। तो पहला हम लोग कैलिब्रेशन वाला सेटिंग वाला चीज देख लेते हैं, तीन जगह पे आपको एक एडजस्टमेंट स्क्रूज दिए हैं, अच्छा सो नॉब्स यू है। नॉज हाँ यस नॉब्स है, नॉब्स है, सो यू कैन रोटेट दिस नॉब्स एंड एडजस्ट द हाइट ऑफ द सी स्टार। ओके। और तो ये टेलीस्कोपिक है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हो इसका हाइट, राइट? यस ये करेक्ट ओके। तो उसके बाद आपका जो ऐप रहेगा, करेक्ट ओके, यहाँ पे ऐप में आपको ट्राइपॉड का अलाइनमेंट करना होगा। जो ट्राइपॉड आपको लेवल करना होता है या आपकी सी स्टार को लेवल करना होता है। राइट, ओके, सो तो यू दिस इज द कैन ऐप प्लीज सी स्टार। ओके, एंड लेवल योर ये सी स्टार। दिस इज द लेवल। ओके, तो हमको अभी ट्राइपॉड को हिला के थोड़ा लेवल करना है, और हमको यहाँ पे 0.1 या 0.2 तक अचीव करना है। 0.0 आ गया तो वन ऑफ द बेस्ट आपको ट्रैकिंग मिलने वाला है, या 0.9। ओके, आपको तीनों ट्राइपॉड हिला के आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइट एडजस्टमेंट चल रही है, फाइन मूवमेंट। हर एक एस्ट्रो फोटोग्राफी गियर जो होता है उसमें आपको ये चीज करनी ही पड़ती है, और इट इज मस्ट। अगर आपका ट्राइपॉड या टेलीस्कोप लेवल ना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फाइन मूवमेंट या फाइन ट्रैकिंग करना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हर एक एस्ट्रो फोटोग्राफी गो टू वाला माउंट हो या सभी। तो हमने अराउंड 0.3 0.2 अचीव कर लिया है, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया है अपना काम। तो दिस इज द ऐप और इसका इंटरफेस है। तो इंटरफेस में अभी हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू चूज द मून द लूनार। देर इज अ ऑप्शन, थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ, गो टू मून करके ऑप्शन है। तो मून के तरफ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और मून कहाँ पे है स्काई में? तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे जेनिथ के आसपास है। तो जेनिथ से थोड़ा सा अभी शिफ्ट हो गया है, एक 70-80 डिग्री के आसपास शिफ्ट हो गया है। तो इतना ही जूम हो रहा है मेरे कैमरा से, बट हम लोग अभी देखते हैं कि सी स्टार पे कैसे दिखेगा। पंधरा से 10 ला क्लिअर वाटतोय, 4x झूम पण तुम्ही घेऊ शकता, पण त्याची मग रिझॉल्युशन कमी होतं त्याचं। हां पण मग हे क्रिएटर एकदम क्लिअर दिसतात ना, एकदम क्लिअर। थोडा विंडी आहे ना, विंडी आहे विंडी, तो थोडासा वॉबल होतोय तो। मस्त ते अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कॉमेट जो अवेलेबल है पॉन ब्रुक्स, तो वो इसमें शो हो रहा है ऐप में। तो लेट्स सी ट्रैक करते हैं, बट सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो लेट्स सी कुछ ट्रैक होता है क्या, आई डोंट नो। यहाँ पे जुपिटर, यू कैन सी ये जुपिटर, उसके एग्जैक्टली नीचे है पॉन ब्रुक्स। या गो टू मून इकडे आणि पॉन ब्रुक्स इकडे, मी गो टू करतोय तो बरोबर मूव कसा होतो बघा। यस, वहाँ पे बैक एंड में काम चालू हो गया उसका। इट स्टार्टेड फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट, सो इट इज सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। ओके, इट इज ऑलमोस्ट देयर। यस ऑलमोस्ट, यस। ZW सी स्टार से हमने कॉमेट कैप्चर कर लिया है। थोड़ा सा स्टैकिंग फेल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे विंडी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, विंडी। मे बी आपको आवाज़ सुनाई देता रहेगा विंड का, बट वी आर स्टिल कैप्चरिंग। बहुत मतलब कैप्चर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग स्क्रीन शॉट लेके एज अ रेफरेंस रख रहे हैं। विंड में बहुत विंडी है, तो थोड़ा सा वो स्टैकिंग के लिए इश्यूज आ रहे हैं, बट वी आर स्टिल कैप्चरिंग दिस इमेज। एंड यू कैन सी द कॉमेट जो यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है। दिस इज अमेजिंग, ZW इज डूइंग अ वेरी नाइस इम्प्रेसिव जॉब आई कैन से। तो स्टैकिंग फेल आ रहा है क्योंकि जो हमारा विंड और यहाँ का जो विंडी पोजिशन बहुत ज़्यादा है, विंडी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग टू सी दिस थिंग जिसके लिए हम लोग तरस गए थे इतने दिन से। तो
गाइस यहाँ पे अपना भी जो है सी स्टार सेटअप है और इसके ऊपर हमने वर्लपूल गैलेक्सी शूट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेन फोटो तो बाद में दिखाता हूँ, बट दिस इज लाइव स्टैकिंग चल रहा है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ तो यू विल सी द डिटेल, अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द वर्लपूल गैलेक्सी M51 इट इज शोइंग और अराउंड 10 मिनट्स का स्टैकिंग हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है, दिस इज द इंटरफेस दिख रहा है आपको और वी आर प्लानिंग फॉर द लियो ट्रिपलेट्स। आई डोंट नो लियो ट्रिपलेट्स में कितना, दिस इज द इंटरफेस और इसमें हम लोग अभी सर्चिंग करेंगे लियो ट्रिपलेट्स। सीधा लियो ट्रिपलेट्स दिखा दिया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है मस्त। और हियर इज द लियो ट्रिपलेट्स में वी कैन सी वी आर ट्राइंग टू कैप्चर 3 ऑफ द गैलेक्सीज इन अ सिंगल व्यू। लेट्स सी कितने सेट हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है वो, बट मे बी होना चाहिए। ओके मैं अभी रेड टॉर्च बंद करता हूँ, लियोडो क्या हो रहा है। तो ये ब्लू लाइन आ गई, जो ब्लू स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट देयर कि अभी ये मैच कर देगा और रेड जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और ब्लू अभी ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, अभी परफेक्टली ऑब्जेक्ट या टारगेट को उसने फाइंड कर लिया और अभी वो क्या करेगा, स्टैक करेगा। अभी सेंटर्ड हो गया, वेटिंग फॉर द प्रोसेसिंग, लाइव प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, आउट ऑफ फोकसिंग हो रहा है, वेटिंग फॉर द 10 सेकेंड 20 सेकेंड आउटपुट। बैकग्राउंड में मस्त म्यूजिक चल रहा है, इट इज अ वेरी फेंट ऑब्जेक्ट है बेसिकली आई कैन से। कंप्लीटेड, ही फोकस्ड। आई एम जस्ट फिल्टर, नहीं फिल्टर रहो देना, ऑफ कर ऑफ कर ऑफ कर फिल्टर ऑफ। ओके एंड द फर्स्ट शॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैलेक्सी दिख रही है। अभी देखते हैं, अभी पूरा यहाँ पे स्टैकिंग चल रहा है अराउंड 30 सेकेंड। दिस इज वन गैलेक्सी 65, 66, यहाँ पे दो गैलेक्सीज हमको दिख रही है और एक जूम आउट होके दिस इज अनदर गैलेक्सी। ओके क्लास, तो तीन गैलेक्सीज हमने अभी जूम इन की है, इसको जूम आउट करते हैं, वी कैन सी 3 ऑफ द गैलेक्सीज इन अ सिंगल व्यू। लियो ट्रिपलेट्स अभी लाइव कैप्चर हुआ है आपके सामने, सो दिस इज अमेजिंग आउटपुट फ्रॉम द सी स्टार। और ये बता रहा है कि इनका नेम क्या है, NGC M66, M65 और ये NGC है 3628। ओके अमेजिंग आउटपुट, हार्डली 1 मिनट का डेटा कैप्चर हुआ है, इतना डिटेल हमको मिला है। विच ऑब्जेक्ट वी आर ट्राइंग टू डू, ट्राइफिड नेबुला M20 है, मिल्की वे ऑलरेडी राइज हो गया। तो ओके सेंटर बाजूलाच होता, एमएचच्या बाजूलाच, एमएच हाँ, ते सगळे तिथे उसके आसपास ही है ना, मतलब तो यहाँ पे इसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, इट इज हियर। सो लेट्स सी, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ट्रैक हो गया है, ऑलमोस्ट इसने ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ट्रैक कर लिया है। सो फाइनल आउटपुट अभी यहाँ पे बता देगा, हम ऑब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया। तो हाँ, अभी ऑटो फोकस दबाना है, ऑटो फोकसिंग, मेरा फ्लैश ऑफ। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, आई कैन सी समथिंग ओवर हियर, कुछ तो दिख रहा है इधर, दिस साइड यहाँ पे दिख रहा है ना अपने को। सो ऑटो फोकस होने के बाद फाइनल आउटपुट और उसके बाद इट विल स्टार्ट लाइव स्टैकिंग। यस वो अमेजिंग ट्राइफिड नेबुला और ये हार्डली 10 सेकेंड का एक्सपोजर लिया है, यू कैन सी क्या आउटपुट मिला, अमेजिंग जबरदस्त। ओ we can enhance as per our, so here are 2-3 options available, contrast, saturation, brightness, so it looks amazing right now. So
उसका डेटा आने दो अराउंड 10 मिनट्स का, देन आई विल रिवील द फोटोज इन आवर वीडियो. वन मोर ऑब्जेक्ट वी हैव सिलेक्टेड फॉर दिस नाइट, ये सी स्टार इट्स वर्किंग फॉर दिस डंबल नेबुला. यू कैन सी इट इज़ हार्डली 50 सेकेंड का एक्सपोजर लिया है इसमें, एंड यू कैन सी द आउटपुट. नहीं, इट इज़ अमेजिंग आउटपुट आया. मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ मेरे मोबाइल का. नो इट्स ओके. सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है. आई थिंक 4 या 5 ऑब्जेक्ट हमने कैप्चर किए अभी तक. सो दिस इज़ वन मोर डंबल नेबुला. सो वी आर चूजिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है अपना, इट्स अ M17 स्वान नेबुला. नहीं एवढं जवळ घ्यायची गरज नाही मिला इथून होतं. सो स्वान नेबुला भी यहाँ पे हमने वो औरत को यहाँ पे रखा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंडिंग स्टार्ट हो गया है. अपना टैब पे ऑब्जेक्ट फाइंड हो रहा है वहाँ पे. ये अभी ब्लू लाइन आ गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी वो परफेक्ट अलाइन कर देगा. रेड वाला हमने टारगेट चूज़ किया है और स्कोप ब्लू वाला जो इसको ट्रैक कर रहा है. सो अभी हो गया अलाइन. ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड. वेटिंग फॉर दैट पार्ट. ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड. ऑब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया. एंड वी आर वॉचिंग द स्वान नेबुला. फिल्टर ऑफ करना है आपको नेबुला. ऑटो फोकस करो इधर. हाँ कर. ऑलरेडी ऑटो फोकसिंग. जब भी आप नेबुला शूट करोगे तो फिल्टर ऑफ कर देना. सो वेटिंग फॉर द आउटपुट. ऑटो फोकस वर्किंग ऑन द ऑटो फोकस. ऑटो फोकस कंप्लीटेड. ऑटो फोकस कंप्लीटेड. और स्टार्टेड प्रीव्यूइंग. स्टार्ट एनहांसिंग इमेज. यहाँ पे नंबर आना स्टार्ट हो गया, मतलब अभी ये स्टैकिंग ऑन हो जाएगा. कोंबड़ा आरवला, मुर्गा जाग गया है. क्या टाइम हो रहा है? 4. इट्स अराउंड 3:57 हो गया है. अच्छा 4 बजने हैं सुबह के. क्या आउटपुट है. सही अमेजिंग. इट्स अ स्वान नेबुला M17. सो इसका फोटो भी मैं आगे डालता हूँ आपको. सो अभी कैप्चर करने दो उसको. So this is our next target for shoot using this 104 Sombrero Galaxy. It is located in. अभी ये तो अपना कंप्लीट हो गया. We are going for the 10 Sombrero Galaxy, right? So it is located in Virgo. Finding object. Bye bolli. Battery percentage दिख रहा है अपना 2.27 दिख रहा है. यहाँ पे शो कर रहा है 27%. सो हार्डली 10-15 मिनट से आधा घंटा तो हम लोग और शूट कर सकते हैं. जी इट स्टार्टेड वर्किंग. ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड. यू कैन सी ऑब्जेक्ट. बहुत छोटा है सो मेरो गैलेक्सी, बट ऑटो फोकसिंग. 1497 फोकस कंप्लीट हो गया. इट स्टार्टेड ट्रैकिंग. स्टार्ट एनहांसिंग इमेज. बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है बट स्टिल वी कैन सी. यहाँ
फिनिश होने दो, या हियर इज द आउटपुट। मोबाइल का तो अभी जस्ट 20 सेकेंड ही इसने स्टैक किया है, बट यू कैन सी द रिजल्ट, अमेजिंग। सो पूरा फिनिश होने दो, सो इसका फोटो भी पोस्ट करता हूँ। तो ओवरनाइट हमने इसके साथ बहुत सारे डीप्स का ऑब्जेक्ट शूट किए रात भर में। तो अभी हम लोग अभी शूट करने जा रहे हैं सन को, अभी बहुत कड़ी धूप पड़ी है और इसके साथ सोलार फिल्टर आता है, तो हम लोग अभी शूट करने जा रहे हैं सन को। और फिलहाल इसको हमने चार्जिंग पे लगाया विद दिस पावर बैंक, तो सन शूट करते हैं। तो बेसिक स्टेप अभी फिर से करना पड़ रहा है, जो ट्राइपॉड है और कैलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पर, तो इसको हम लोग ज़ीरो जो है ट्राइपॉड को लेवल पर लेके आ रहे हैं। सन शूट हो रहा है, इसमें अभी डिफिकल्ट है थोड़ा स्पॉट करना, बट लेट्स सी, अगर जैसे ही स्क्रीन पे आता है दिखा देता हूँ। अभी ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे अपना सी स्टार सेटअप है और यहाँ पे लाइव ट्रैक कर रहा है सन को। यू कैन सी सन देख रहे हैं हम लोग, ओहो लाइव सन, सो यू कैन सी द सन विद द सन स्पॉट, कैन यू सी ब्लैक स्पॉट्स। ये ब्लैक स्पॉट है हमारे अर्थ से, वी कैन सी 2 times या 4 times बड़े हैं इनका साइज अगर कंपैरिजन करें तो। सो ये मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ आपके लिए ये वीडियो। सो मालिक जो है, मालिक के पास उनका फ़ोन और उनका सी स्टार। सो गाइज, हमने फाइनली सी स्टार का डिटेल, मतलब रिव्यू बोलूँगा नहीं, डिटेल हमने शूटिंग किया, पूरा उपयोग किया सी स्टार का रात भर में और दिन में भी किया, अभी सन भी शूट हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगा तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी कम से कम मेहनत में करनी है ना, और कम से कम कम कॉस्ट में करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एक लाके दिया है संदीप सर ने, और ये सी स्टार लाके दिया है संदीप सर ने, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग होता है, बट स्टिल आपको ये प्रायोरिटी बेसिस पे संदीप सर ने अरेंज करके दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। बट अमेजिंग प्रोडक्ट हमने बहुत शूट किया, और अगर आप सी स्टार ओन करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।